गाइस, मैं शिवानी और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट पर बॉलीवुड हलचल। फिल्म थलाइवी का पहला गाना चली चली अब यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है और रिलीज़ के 15 घंटे बाद ही इसे 15 लाख से ज़्यादा व्यूज़ भी मिल चुके हैं। जिस गाने को देखने के लिए कंगना रनौत के फैंस और दिवंगत जे जयललिता के चाहने वाले पलके बिछाकर बैठे थे, वो शुक्रवार की शाम रिलीज़ होते ही सोशल मीडिया पर छा गया। 3 भाषाओं में रिलीज़ हुआ सॉन्ग। खास बात यह है कि इस गाने को साउथ के सुपरस्टार अक्की नैनी ने 3 भाषाओं यानी हिंदी, तमिल और तेलुगु में अपने सोशल मीडिया पर रिलीज़ किया। खुशी को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा, अम्मा की बेजोड़ इनायत और स्क्रीन पर उनकी शानदार उपस्थिति को सब जानते हैं। सिनेमा से लेकर CM तक उनके नायब सफर के गवाह बने। हैशटैग चली चली फिल्म की टीम जो रिलीज़ कर रही है, सब कुछ मेरे लिए बहुत प्यारा है, भगवान का आशीर्वाद उनके साथ है। गाने को बड़ी खूबसूरती से फिल्माया गया है। गाने में गोल्डन युग की जयललिता की मासूमियत और नज़ाकत को कंगना के ज़रिए कैमरे में उतारने की कोशिश की गई है। पानी के साथ खेली गई कंगना की मस्ती और जयललिता के क्लासिकल वर्ल्ड को स्टूडियो का आकार देकर गाने की शूटिंग की गई है, जहाँ का हर नज़ारा अम्मा जयललिता के शुरुआती दौर की दास्तां बना कर रहा है। म्यूज़िक भी ज़बरदस्त है। इस गाने का संगीत दिया है GV प्रकाश कुमार ने और सुरीली आवाज़ है साध्वी की। गाने के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने। यह गाना साल 1965 में आई जयललिता की फिल्म वेडीरा अड़ाई की याद दिला रही है। बता दें कि थलाइवी फिल्म लेजेंडरी अभिनेत्री और फिल्म राजनेता बनी जयललिता के जीवन की कहानी पर आधारित है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि फिल्म 23 अप्रैल को रिलीज़ होगी। फिल्म को पेश किया जा रहा है BV मोशन पिक्चर्स, कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियो के साथ, जिसमें एसोसिएट है गोथिक एंटरटेनमेंट और स्प्रिंट फिल्म्स। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विष्णु वर्धन इंदूरी और सैले। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये फिल्म 23 अप्रैल को रिलीज़ होगी। फिल्म को पेश किया जा रहा है BV मोशन पिक्चर्स, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि फिल्म 23 अप्रैल को रिलीज़ होगी। फिल्म को पेश किया जा रहा है BV मोशन पिक्चर्स, कर्मा मीडिया एंटरटेनमेंट और जी स्टूडियो के साथ, जिसमें एसोसिएट हैं गोथिक एंटरटेनमेंट और स्प्रिंट फिल्म्स। फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है विष्णु वर्धन इंदूरी और शैलेश आर सिंह ने। इसे को प्रोड्यूस किया गया है हितेश ठक्कर और त्रुमाल रेड्डी ने। फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी भाषा जी स्टूडियो के द्वारा 23 अप्रैल 2021 को वर्ल्ड वाइड रिलीज किया जाएगा। वेल गाइज, आपको कंगना की फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें और अपने चैनल खबर एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।